दोस्तों, जब भी हम फर्नीचर का काम करवाते हैं घरों में या फिर ऑफिस वगैरह में, तो सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो होती है प्लाई को लेकर। कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन सा प्लाई लगाएं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है दूसरे नंबर की, वो होती है कि सनमई का किस कलर का हम लगवाएं कि ताकि हमारा जो फर्नीचर हो वो बहुत ही आकर्षित दिखे, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे। तो चलिए आइए, आज हम आपको एक कैटलॉग दिखाते हैं और उसके माध्यम से समझाते हैं कि आप अपने घरों में किस तरीके का सनमई का जो कलर होती है, जो लेमिनेट्स होती है, उसका हम इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले ये देखिए, एक कैटलॉग है मेरे पास, एक 1mm का। यहाँ पर इसमें बहुत से स्मूथ कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये वाले जो आपको कलर दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये ग्लोसी में है और इसमें आपको मैट फिनिश भी मिलती है, ये वेलवेट टच में थोड़ा सा है। तो ये जो इस तरह टाइप का अगर आप कलर है, इस टाइप का जो आप कलर देख रहे हैं अभी इस वक्त स्क्रीन पर, तो ये सभी आप वार्डरोब वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रूम के भीतर फर्नीचर में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो ये आपको दिख रहा है पिंक में दिख रहा है, डार्क पिंक में दिख रहा है या मरून में आपको दिख रहा है, तो इस टाइप का जो कलर है आप इसका इस्तेमाल भी आप वार्डरोब वगैरह में करवा सकते हैं, लिविंग रूम में करवा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किचन में भी करवा सकते हैं। तो किचन में थोड़ा सा डार्क हो तो अच्छा दिखता है, अगर किचन बड़ा हो तो ही डार्क कलर का इस्तेमाल करें, अगर किचन छोटा हो तो लाइटर शेड का ही इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा देखिए, यहाँ पर ये वाले देखिए स्मूथ कलर है, और ये जो स्मूथ कलर आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके का कलर बहुत ही कम जो कैटलॉग की जो कंपनियां होती है उसमें देखने को मिलती है, यानी कि इस तरीके का लेमिनेट्स आपको कम देखने को मिलती है। ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है जो इस तरीके का कलर्स है ना, तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल आप वार्डरोब वगैरह में करवाएं, और घरों का जो लंबे लंबे अगर फर्नीचर्स हों, जैसे कि किचन्स में आप कैबिनेट बनवा रहे हैं तो वहाँ पर करवाएँ तो काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके बाद मैं आपको और भी पैटर्न दिखाऊंगा जिसको मैं बताना चाहूंगा कि ये इसका इस्तेमाल आप कहां कहां करवा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटीरियर के फंडे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये जो आपको दिख रहा है मार्बल फिनिश में आपको दिख रहा है, जो स्टोन फिनिश में आ रही है ना, ये जो आप दिख रहा है इसका वगैरह ज़्यादातर इस्तेमाल आप बाथरूम साइड में करवाए तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, या फिर आप लिविंग रूम में करवाते हैं इस टाइप का टेक्सचर जो होता है वहाँ पर ज़्यादा अच्छा दिखता है। देखिए, यहाँ पर पहला जो आपने देखा था अभी इसी का, ये जो स्टोन का जो पैटर्न यानी मार्बल जो फिनिश में आपको दिख रहा है ना, ये आपको पहले मैट दिख रही थी, अभी मैं ग्लॉसी आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें बहुत सारे शानदार शानदार कलर्स आपको दिखते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो छोटे छोटे बिंदी में आपको गोल्डन कलर में दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा लुक बनाता है, और इसका भी इस्तेमाल आप इस तरीके का जो लुक वाइज होता है, इसका इस तरीके का जो पैटर्न होता है ना, इसका भी इस्तेमाल आप वार्डरोब वगैरह में करवा सकते हैं, और जो बेडरूम का जो फर्नीचर होता है ना वहाँ पर आप करवा सकते हैं इस टाइप का। अच्छा, यहाँ पर ये जो वुडन फिनिश आ रही है ना, ये इसका ज़्यादातर इस्तेमाल ऑफिस वगैरह में करवाना चाहिए, घर वगैरह में अच्छा नहीं दिखता है, उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखती है, क्योंकि ये वुडन फिनिश होती है तो नेचुरली फिनिश है। अगर आप अपने घर का थीम जो होता है वो नेचुरल करना रखना चाहते हैं तो फिर इस तरीके का आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, किचन वगैरह में भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, नहीं तो ऑफिस वगैरह में बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा लुक बनाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए वुडन वाले फिनिश में है, इसके अलावा यहाँ पे ग्लॉसी में वुडन आपको दिख रहा है, ये काफ़ी सुंदर है। हाँ, इस तरीके का अगर आप स्मोकी में थोड़ा जाना चाहते हैं, जैसे नहीं होता है कि थोड़ा सा धुंध में हो, स्मोकी टाइप में हो, तो घर के फर्नीचर वगैरह में आप लिविंग रूम में इस्तेमाल करवाएं तो काफ़ी शानदार दिखती है। तो फिर वही बात हो गई, यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं वुड वाली, तो ये ऑफिस वगैरह के लिए मुझे अच्छी दिखती है मगर घर के लिए नहीं। हाँ, घर में एक चीज़ है इसका, अगर आप वॉल पैनल करवाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा दिखता है, वॉल पैनल के लिए इस टाइप का जो लुक है तो वुडन फिनिश होता है वो बहुत अच्छा दिखता है, नहीं तो अदरवाइज आप चाहे तो इस तरीके का टेक्स्चर भी करवा सकते हैं जो आपको ये दिख रहा है, जैसे कि वुड फिनिश में ये जा रहा है, टेक्स्चर्स वगैरह में अगर आप वॉल पैनल करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छा खिलती है वहाँ पर। इसके अलावा आप देखें, वुडन फिनिश आपको हर कैटलॉग में मिल जाएगा, चाहे किसी भी ब्रांड का आप लें वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद ये है, इस कैटलॉग का दिखाने का जो मेरा मकसद है यही है कि आप एक समझ पाए ओवरऑल कि आपके अपने घरों में जिस तरीके का फर्नीचर होता है ना, बनता है, तो वहाँ पर किस तरीके का लेमिनेट्स इस्तेमाल करना चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडन फिनिश का है, बाथरूम वगैरह के साइड में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि घर के भीतर यानी कि बेडरूम के भीतर ना वुडन फिनिश का ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी तो वैरायटी बहुत ज़्यादा आ गई है। मॉडर्न का जो युग चल रहा है ना अभी, यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा अलग अलग आ गई है। अच्छा, ये वाले जो देखे, ये जो स्टोन वाले आप देख रहे हैं ना, ये स्टोन वाले, ये बाथरूम के लिए बहुत ही शानदार होती है। अगर आप बाथरूम में लगवाते हैं तो बहुत ही यूनिक दिखता है आपका बाथरूम, एक लग्जरियस फील लेके आता है, कि एडवेंचर जिसको कहते हैं ना, एडवेंचर वो लेकर आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो टेक्सचर्स और जो डिज़ाइन दिख रही, इन सब का इस्तेमाल आप लिविंग रूम में आराम से करवा सकते हैं। किसी तरीके का जो नहीं कहता ऑकवर्ड जो फील होती है वो नहीं आती है। अच्छा, इस पैटर्न में एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मूथ अपने फर्नीचर को बनाना चाहते हैं तो वेलवेट टच में लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ना स्मूथ, ये जितने भी आपको पैटर्न दिख रहे हैं ये वुड का, ये सभी स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। मैंने खुद फील किया, मैं ये जो हाथ से छू रहा हूँ ये मैं खुद ही छू रहा हूँ, तो मैं इसको फील किया हुआ हूँ। तो आप लगवा सकते हैं, और देखिए इसमें कलर कितने अच्छे अच्छे कलर हैं। अगर आप चाहें तो सिंगल कलर भी ले सकता हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा मैं ये कलर ठीक से आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में समस्या हो रही है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। मगर देखिए इस टाइप का आपको एक कलर का अनुमान मिल जा रहा है कि हाँ इस टाइप का कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आपको कितना शानदार कलर्स और स्मूथ भी है, काफ़ी स्मूथ है। अच्छा, इसके बाद अगर जो मैं पलट रहा हूँ इसको, और तो यहाँ पर आइए, ये टेक्सचर्स आपको दिखेंगे, और उसके बाद मैं आपको लेदर फिनिश का भी दिखाता हूँ कि अगर आप लेदर फिनिश में अगर कुछ चाहते हैं, जैसे कि आप लिविंग रूम में टेबल्स बना रहे हैं या फिर आप आसपास में बैठने के लिए टेबल्स बना रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप लिविंग रूम के आसपास में अगर लेदर फिनिश लाना चाहते हैं, जैसे कि ये वाले हैं, ये वाले देखिए लेदर फिनिश में है, या फिर आप बेड वगैरह पे लेमिनेट्स करवा रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरीके का जो टेक्सचर्स वगैरह होता है ना बहुत अच्छा होता है। और अगर आप अपने कमरे को बहुत ही यूनिक वार्डरोब अगर बनवाना चाह रहे हैं उसमें, तो इस तरीके का आप लेमिनेट्स लगवाएं, आपको बहुत ही शानदार दिखेगा, वो पूरा लेदर का फील आएगा। और इसके साथ में याद रखें कि लेदर वाला हैंडल लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो लेदर का जो फिनिश आता है ना वो गजब आती है दिखने में। मैंने खुद इस्तेमाल करवाई है पर्सनली, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा फिनिश देती है। इसके साथ में ये सब है स्मूथ फिनिश वाली। इसके अलावा सॉलिड जो कलर वाली जो सनमेखा होती है ना, यानी लेमिनेट्स होती है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये वाले देखिए, इसका इस्तेमाल आप किसी भी जगह पर करवा सकते हैं, किंतु सॉलिड कलर वार्डरोब वगैरह में बिल्कुल ना करवाएं, क्योंकि अच्छी नहीं दिखती है। उसके साथ में वुडन वाले से भी थोड़ा सा दूर रहें, वो भी अच्छा उतना नहीं दिखता है। तो लिहाजा इस वीडियो को मैंने दिखाया और मैंने आपको बताया, तो इस तरीके का जो कलर है ना, इस तरीके का पैटर्न जो है आपको करीब करीब 1700 रुपये से स्टार्टिंग होती है, यानी कि 1 mm की जो ये सनमेखा है ये 1700 रुपये से स्टार्टिंग होती है और 2200 तक जाती है। जैसे ये फॉइल वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिल्वर में है, ये फॉइल में है, तो ये थोड़ी सी महंगी होती है। तो इसी के साथ ये महंगी होती है, ये देखिए सॉलिड वाली है। इसी के साथ ये कैटलॉग समाप्त हो रही है और हमारी वीडियो भी समाप्त हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि कैटलॉग आपको पसंद आई होगी, मैंने जो बताया होगा वो समझ में आई होगी। तो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक वीडियो को देखते रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।